हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप कॉइन TCX में रुपए ऐड करना चाहते हैं, फंड ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है या प्लस अल्ट कॉइन है, जितने भी हैं उनको बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, या फिर किसी में SIP करना चाहते हैं तो आपके वॉलेट में रुपये होना चाहिए। तो आप किस तरीके से यहाँ पर रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या था कि आपका जो डिपॉजिट का मेथड था वो UPI से था, तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सब UPI डिसेबल हो चुका है, अब हमको IMPS करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर CoinDCX मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर फंड का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस ₹192.82 अभी मेरे वॉलेट में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नीचे डिपॉजिट INR का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर इंटर अमाउंट, तो यहाँ पर मैं अमाउंट फिल कर दीजिएगा। तो मैं ₹800 यहाँ पर डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो ₹800 मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, अब नीचे सेलेक्ट पेमेंट मेथड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये दिया हुआ सजेस्टेड टू यू। ठीक है, तो ये दिया हुआ IMPS का मेथड दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमम ₹100 आपको डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम आप 5 लाख कर सकते हैं। फीस कितना, 0% लगेगा, और ये आपका प्रोसेसिंग टाइम 5 और 5.5 मिनट के अंदर हमारा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, ये दिया हुआ है, अब मैं गॉट इट पर नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमको क्या करना है कि देख सकते हैं कि ये हमको बैंक डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ डोंट यूज़ UPI ऐप्स, और यहाँ पर लिखा हुआ डोंट यूज़ NEFT और RTGS। हमको क्या करना है, IMPS करना है। यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ IMPS ओनली। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है, बेनिफिशियरी नाम दिया हुआ है, बैंक नेम दिया हुआ है, अकाउंट टाइप दिया हुआ है, और रिमार्क में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब हमको जाना है अपने ऐप पर, जैसे कि जहाँ से हम लोग IMPS कर सकें। जैसे कि मेरा इसमें जो बैंक अकाउंट लिंक है वो क्या है, एक्सिस बैंक का लिंक है। ये दिया हुआ एक्सिस बैंक का मेरा लिंक है, तो मैं एक्सिस बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर उसका जो नेट बैंकिंग है वहाँ पर जाऊँगा, और IMPS के ऑप्शन पर जाके मैं यहाँ पर जितना रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ पर ₹800 डाला है, ₹800 वहाँ से मैं पे कर दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आके आई हैव पेड नाउ पर क्लिक करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक का है तो मैं अपने एक्सिस बैंक का दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मेरा एक्सिस बैंक का है, तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, और दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पे का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं पे पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और दिया हुआ सेंड मनी, पे टू कॉन्टैक्ट, स्कैन एंड पे, और रिचार्ज एंड बिल्स, तो मैं सेंड मनी पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि हमको पाई ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग पाई पर, पाई पर हम लोग क्लिक करेंगे, और ये दिया हुआ है कि ऑल पाई, और एक्सिस बैंक का है या फिर अदर्स है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है जो मेरा ऑलरेडी ऐड है, और जो ऐड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड पाई का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप पहली बार होंगे तो ऐड पाई का ऑप्शन आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ एक्सिस बैंक पाई और ये अदर बैंक पाई, तो मैं अदर बैंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि पाई नेम पूछ रहा है, निक नेम पूछ रहा है, अकाउंट नंबर पूछ रहा है, कन्फर्म अकाउंट नंबर, और IFSC कोड पूछ रहा है। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर CoinDCX ने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ पर बैंक नेम, और यहाँ पर रिमार्क, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ऐड पाई पर नीचे क्लिक कर देना है, तो ये क्या होगा, ऐड पाई हो जाएगा। अब चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है, तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि ये वही अकाउंट है या नहीं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 777 और 305, तो मैं यहाँ पर गया और देख सकते हैं कि 777 305 ये वही वाला दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी ऐड किया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और देख सकते हैं कि जब एक बार आप ऐड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया, मैं यहाँ पर पहले भी ₹200 का पेमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको ऐड करना है, फिर आप इस तरीके से ऐड हो जाएगा, तो आपको पे पर क्लिक करना है, और पे पर क्लिक करने के बाद जितना पे आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ₹800, क्योंकि मैंने वहाँ पर ₹800 फिल किया हुआ था CoinDCX में फिल करते समय, तो ₹800 यहाँ पर फिल कर दिया। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट मोड मिल रहे हैं, IMPS, NEFT और NEFT पे लेटर, तो हमको क्या करना है, IMPS करना है। ठीक है, और ये दिया हुआ है इसी बैंक से, उसी बैंक अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है जो बैंक अकाउंट आपका CoinDCX में लिंक है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये दिया हुआ है, ठीक है, अब IMPS चार्जेस मेरा कटेगा कि IMPS का चार्ज कटता है, तो मैं नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, अब एंटर योर MPIN टू वेरीफाई एंड एग्जीक्यूट दिस पेमेंट। अब जो मेरा MPIN है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो अपना MPIN है वो फिल कर दिया है, और जो ₹800 का पेमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर डन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग जाते हैं CoinDCX में, यहाँ पर आ चुके हैं, और अब ये दिया हुआ ऑप्शन आई हैव पेड नाउ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो देख सकते हैं ये दिया हुआ है वेरीफाइंग योर पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ टाइम लगेगा और ये वेरीफाई हो जाएगा और हमारे वॉलेट में रुपए आ जाएगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही आ गया है, पहले कितना था 192 रुपीज़ था, अभी कितना 992 रुपीज़ आ चुका है, 800 रुपये हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रोग्रेस दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। ये भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही हमारा जो रुपये है वो डिपॉजिट हो चुका है। अब इस रुपये को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो को बाय करने के लिए या फिर SIP करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपने वॉलेट में रुपए डिपॉजिट करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।